पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण होना अनिवार्य है। परंतु बहुत अफसोस की बात है, उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी ब्लॉक के अंगमल गांव में 2 साल से विद्युतीकरण होने के बावजूद आज तक उस गांव में बिजली न पहुंचने के कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है कि लाइन ना आया उतबा, और मतलब सरकार बिल भेज दे, और गरीब हमारे संग 50 जने के मतलब वो कहे लाख गवा मीटर उटर बैठा दे हैं, और लाइन उतर ना आई ना, और बिल भेज दे हैं, गरीब आदमी कहाँ से भर पाऊँ, कैसे दे जाए। और मिट्टी के तल इतना महंगा मिलता है, अब कहाँ से बच्चे पढ़ाए लिखाए, कहाँ से बिल दे, जब लाइट आ ही नहीं रही तो कहाँ से बिल दी। हमारे गांव में खंभा दौड़ चुकी है, तार दौड़ चुका, बिल आ चुका, बिजली अभी नहीं आई, इससे हम लोग परेशान रहते। एक एक कर्मचारी लोग तो उनसे कहा जाता है कि इसी से हमारे गांव हो रहा है, बोलते आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, इसे आज 2 साल हो चुका, 3रा लग गया, कोई भी समाचार कोई भी बातें यहाँ नहीं आई। प्रयास माल की है, महरुआ गए सब जुट के, वह कही जाए लग कहीं ठीक होए, वैसे लिखा उखा पर्चा चल ले आए, ले गए अकबरपुर जमा किए, कौनों सुनवाई ना भय, हे आज महीना हो गया बा ठेकेदारी से सरकार को तो सुना लेबर आ रहा नट बोल्ट कस के गए, और फिर तब से क्यों कह जाँचे पड़ताल ना किस कि हाँ सही है गलत है, और खम्भा गिर गया बा, खम्भा गिरा वो इसे पारा बोके तार वार छटका बा, कौनों के जाँचे पड़ताल ना होत बा कि लाइन आवत में सही है गलत है। तो फिर आप लोग का चाहत है? हम लोग ये चाहते कि हमारे गांव में बिजली आए, और घर परिवार बाल बच्चे पढ़े लिखे, जिसके उनका भविष्य उज्ज्वल आगे बढ़े। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, बिजली विभाग के SDO का संपर्क नंबर 94-15-90-14-87 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया अनहट के लिए।